हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। इट्स सैटरडे एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क वी आर नॉट एबल टू अपलोड द लेक्चर लास्ट वीक, सो डोंट वरी, टुडे वी आर बैक। तो सर्दियां आ रही हैं, तो आज हमने सोचा कि एक ऐसे डिवाइस के बारे में डिस्कस किया जाए जो हम सर्दियों में ऑलमोस्ट हर रोज यूज करते हैं। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट गैस गीजर्स। In this topic, we're going to discuss what is a gas geyser, what is the internal structure of a gas geyser, how the gas geyser works, how the different components in a gas geyser present works, and at last we will discuss what are the pros and cons of the using a gas geyser, and thereafter we will discuss some important questions throughout the topic. So let's start the topic. तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसको जल्दी जल्दी शुरू करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और इसकी सारी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ गैस गीजर? गैस गीजर होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, गैस गीजर एक ऐसी चीज जो तो पहली बात गैस पे काम कर रही है। गैस माने कि हमारी एलपीजी जो हमारी किचन में यूज होती है, एलपीजी पे हमारा लिए काम कर रहा है। दूसरा वर्ड है इसके नाम में गीजर। तो गीजर से क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो एक किसी चीज को गर्म करेगी, और क्या चीज को गर्म करेगी? ये पानी को। तो गैस गीजर हमारा सिंपली जो है कि एक एलपीजी पे काम करने वाला डिवाइस है जो कि हमारा पानी को गर्म करता है, और जो कि हम सर्दियों में बहुत नॉर्मली हर रोज इस चीज को अपने घरों में यूज करते हैं। तो गैस गीजर इज अ वाटर हीटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन गैस। सिंपली एक वाटर, पानी को गर्म करने वाला डिवाइस है या सिस्टम है जो सिर्फ एलपीजी गैस पे काम करता है हमारा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई वाटर रिजर्वायर नहीं है, कि मतलब इसमें हमें कोई पानी स्टोर नहीं करना पड़ता कि स्टोर करेंगे वो पानी गर्म होएगा उसको बाद हम इजेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप वाटर टैप ऑन करिए, साथ के साथ ले पानी को गर्म करना शुरू करेगा, और आउटपुट जो आपकी टैप ऑन है उसी का जो आउटपुट है उसमें ही आपको गर्म पानी साथ के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी वेरी गुड फीचर ऑफ दिस डिवाइस। तो इसमें कोई रिजर्वायर नहीं, वाटर स्टोर नहीं करना पड़ता, ऑन कीजिए साथ के साथ आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, गर्म पानी मिलना शुरू हो जाएगा। एंड गैस गीजर वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड। मतलब ये काम तभी करेगा जब डिमांड होगी। डिमांड माने कि जब आप टैप को ऑन करोगे तभी ये गैस गीजर ऑन होएगा, तभी ये पानी को गर्म करेगा। जब तक टैप बंद रहेगी तब तक गैस गीजर काम नहीं करेगा, आपकी गैस भी यूज नहीं होगी, आपका गीजर वर्क भी नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, मतलब इफ समवन ओपन्स अ टैप, हॉट टैप, द गीजर विल एक्टिवेट एंड सेंड हॉट वाटर टू द टैप, एंड व्हेन द टैप इज क्लोज द गैस गीजर विल डीएक्टिवेट एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग द हॉट वाटर। तो सिंपल सी बात है, आप जिस वाटर टैप पे आपने गैस गीजर का कनेक्शन दिया हुआ है उस वाटर टैप को आप ऑन कीजिए, उस टैप को ऑन करते ही हमारा गीजर ऑन हो जाएगा, आपका पानी जो उसके अंदर से गीजर के थ्रू अब जो पानी होके आ रहा है वो गर्म होके आएगा, टूटी जो आपकी वाटर टैप है उसके थ्रू जो आउटपुट आ रही है वो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। और आप जब उसको वाटर टैप को बंद कर देंगे तो ये हमारा गीजर इमीडिएटली बंद हो जाएगा और आपकी पानी की सप्लाई ऑफ हो जाएगी, और गीजर जो पानी गर्म कर रहा था वो भी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आप राइट हैंड साइड में एक देख सकते हैं कि गैस गीजर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये होता है। आप इसके ऊपर तीन बटन्स देख पा रहे होंगे, तो इन बटन्स का फंक्शन देखते हैं कि हम पहले बटन्स का फंक्शन क्या होता है। एक बटन तो होता है हमारा टेम्परेचर सेंस करने के लिए, दूसरा बटन होता है हमारा फ्लेम कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा बटन होता है हमारा सीजन सेलेक्ट करने के लिए कि आप समर में इसको यूज कर रहे हैं या विंटर में इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है ये क्या काम कर रहे हैं। टेम्परेचर विल डिसाइड कि किस टेम्परेचर तक पानी को गर्म करना चाह रहे हैं, ठीक। उसके बाद फ्लेम लेवल विल डिसाइड कि आपकी फ्लेम, आप कितनी फ्लेम रखना चाह रहे हैं गीजर के अंदर, फ्रॉम लो टू हाई। तो उसको, उसकी नोब को आप जब रोटेट करेंगे तो फ्लेम का लेवल एडजस्ट होएगा, टेम्परेचर नोब को आप रोटेट करेंगे तो टेम्परेचर लेवल एडजस्ट होएगा, और विंटर सीजन या समर सीजन के हिसाब से आप सीजन सेलेक्ट करते हैं वो अंदर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसको इफेक्ट करता है, वो हम देखेंगे वो कैसे इफेक्ट करता है। वो ये सीजन हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है हमारा गीजर की बॉडी का वो डिटेक्ट करने के लिए हम सीजन सिलेक्ट करते हैं। तो तीन ये नॉब है हमारे गैस गीजर के अंदर जिनका ये फंक्शन हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। नाउ विल सी कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ गैस गीजर। अब आप अपने राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे कि ये गैस गीजर की इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो गैस गीजर इज मेनली कंपोज ऑफ अ शेल, एग्जॉस्ट डिवाइस, बर्नर, हीट एक्सचेंजर, गैस कंट्रोल डिवाइस, वाटर कंट्रोल डिवाइस एंड अ गैस लिंकेज डिवाइस।
तो अगर आप सबसे पहले देखें कि ये जो आपको ये चीज देख पा रहे हैं, दिस इज द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट है ये, जब आप फ्लेम ऑन होएगी हमारे गीजर के अंदर तो उसके अंदर कुछ धुआं निकलेगा। जब भी आग लगती है तो कुछ ना कुछ स्मोक प्रोड्यूस होती है, तो स्मोक को आउटलेट देने के लिए हमारा ये एग्जॉस्ट प्रेजेंट है। देर आफ्टर कम द ये शेल, द शेल कवर्स द वो हीट एक्सचेंजर पार्ट। ये शेल एक तो हीट एक्सचेंजर पार्ट को थोड़ा सा कवर करता है और थोड़ा सा हमारा जो एग्जॉस्ट है उसको सपोर्ट देता है। देर आफ्टर कम द हीट एक्सचेंजर। अब ये जो हीट एक्सचेंजर है इसके अंदर जो हमारे बर्नर्स प्रेजेंट होंगे, वो बर्नर्स इसके अंदर वाली साइड हमारे बर्नर्स फ्लेम के साथ ग्लो करते हैं, एंड इसके ऊपर हीट एक्सचेंजर के ऊपर पाइप्स लगी होती हैं जिनके ऊपर पानी फ्लो होता है। अब हीट एक्सचेंजर में हो क्या रहा है, जब आपकी फ्लेम ऑन होगी, बर्नर्स ऑन होंगे, तो हीट एक्सचेंजर की बॉडी जो सरफेस है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, और उन सरफेस के ऊपर हमारी पाइप्स अटैच है जिनके अंदर हमारा पानी फ्लो हो क्या रहा है, तो वो जो हीट है वो पाइप्स के अंदर ट्रांसफर होगी। वो पाइप्स के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं वो पानी के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हीट ट्रांसफर को वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, जो हीट ट्रांसफर वाला प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वजह से ही इस जो इस कंपोनेंट का नाम है उसका नाम हीट एक्सचेंजर रखा गया है। तो बर्नर से हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट से हमारा हीट एक्सचेंजर का सरफेस गर्म हुआ, हीट एक्सचेंजर के सरफेस के ऊपर हमारी पाइप्स है, उन पाइप्स में से पानी हमारा फ्लो के आ रहा है, ठंडा पानी कोल्ड वाटर उसमें से फ्लो के आ रहा है, एंड द हीट ट्रांसफर प्रोसेस विल टेक प्लेस ड्यू टू विच द कोल्ड वाटर विल गेट हीट अप एंड द हीट अप वाटर विल गेट वी विल गेट इन द फॉर्म ऑफ अ आउटपुट। ठीक, उसके बाद हमारा जो है गैस कंट्रोल डिवाइस। गैस कंट्रोल डिवाइस के ऊपर जो हम पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस करें कि नोब लगी होती है जो फ्लेम को कंट्रोल करती है। फ्लेम को कंट्रोल करना डायरेक्टली मीन्स कि हम गैस की क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो कम गैस आएगी तो कम फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा गैस आएगी तो ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी, ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस होगी, तो गैस कंट्रोल डिवाइस होगा। वाटर कंट्रोल डिवाइस, तो जैसे जैसे आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हमें ज्यादा गर्म पानी चाहिए। ज्यादा गर्म पानी चाहिए तो हीट ट्रांसफर प्रोसेस में टाइम लगेगा, जितना हमें टाइम लगेगा उसके हिसाब से हमें वाटर के फ्लो को कम करना पड़ेगा। वाटर का फ्लो तेज है तो पानी जल्दी जल्दी उसके अंदर से आ जाएगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, कम गर्म पानी मिलेगा। जितना फ्लो वाटर का फ्लो कम करेंगे हम, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा हीट ट्रांसफर के लिए और उतना ज्यादा गर्म पानी हमें मिलेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वाटर कंट्रोल डिवाइस। एंड देयर आफ्टर द गैस लिंकेज डिवाइस। गैस लिंकेज डिवाइस का क्या काम है कि वो एक साइड से सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरी साइड से हमारा गैस गीजर के अंदर इनपुट देगा। तो गैस लिंकेज डिवाइस। द बर्नर इज कंपोज ऑफ नोजल एंड इजेक्टर। देयर आर मैनी फायर होल्स एट द हेड ऑफ द लेस गैस विच कैन कॉज इनकम्प्लीट हीटिंग ऑफ वाटर एंड रिड्यूस एफिशिएंसी आफ्टर ब्लॉकिंग। टूथपिक एंड अदर मटेरियल्स आर नीडेड टू ड्रेन इट। तो जैसा आपने किचन में के हमारे बर्नर्स देखे होंगे, उनके ऊपर छोटे 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 हमारे नोजल्स बने होते हैं, तो वो कभी कभी अगर उनके अंदर कोई मिट्टी या कचरा फंस जाता है तो उसके अंदर से फ्लेम प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाती, बट पीछे से हमारी फ्लेम की सप्लाई उतनी आ रही है बट आउटपुट हमें नहीं मिल रही। इनपुट सेम है, आउटपुट कम मिल रही है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम नोजल या उस बर्नर के टिप्स को साफ करते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस हमारा गैस गीजर के अंदर भी प्रेजेंट होता है कि जो गैस गीजर के अंदर भी नोजल और बर्नर प्रेजेंट है उनको भी टाइम टू टाइम हमें साफ करना पड़ता है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे हमारी। द फंक्शन ऑफ द वाटर गैस लिंकेज डिवाइस इज टू इंश्योर इनफ वाटर प्रेशर व्हेन द वाटर फ्लो स्टॉप्स और द प्रेशर इज इनसफिशिएंट द गैस सप्लाई चैनल विल बी ऑटोमेटिकली कट ऑफ एंड द इक्विपमेंट विल बी बर्न ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। इन शॉर्ट द वाटर सप्लाई एंड गैस सप्लाई विल बी कट ऑफ। तो ये जो हमारा गैस लिंकेज डिवाइस है ये एक चीज और इंश्योर करता है कि हमारा जो गैस का प्रेशर है वो सही लेवल पे मेंटेन रहे, वाटर का प्रेशर भी सही लेवल पे मेंटेन रहे। अगर वो प्रेशर में कोई कमी आती है, कोई रिड्यूस लेवल हो जाता है, तो ये वाला डिवाइस ऑटोमेटिकली गैस और पानी को कट कर देता है और गीजर ऑफ हो जाता है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने तो ये मोटी मोटी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, बट एक दो चीजें हम भूल गए हैं डिस्कस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर का काम है वो डिटेक्ट करता है कि पानी कितने लेवल तक हीट हो गया। वो जो हम नॉब बाहर से घुमा रहे हैं टेम्परेचर वाली, वो टेम्परेचर सेंसर को इफेक्ट कर रही है। तो सपोज हमने नॉब घुमा दी कि वी आर वांट टू हीट द वाटर टिल 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तक हमें वाटर हीट करना है, तो टेम्परेचर सेंसर उस लेवल को नोट कर लेगा और जब तक वो पानी उतने लेवल तक हीट नहीं होता वो आउटपुट नहीं आएगी हमारी। तो टेम्परेचर सेंसर का काम है कि वो टेम्परेचर जो हीट हो रहा है, वाटर जो हीट हो रहा है उसके टेम्परेचर को मेजर करने का काम है।
उसको विंटर समर एडजस्टमेंट, विंटर समर एडजस्टमेंट का यही काम होता है कि वो जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है गीजर का उसको मेजर करने के लिए हमारा विंटर समर एडजस्टमेंट है। अगर विंटर करेंगे तो हमारा जो आउटर बॉडी का टेम्परेचर वो कम होएगा उसको मेजर करेगा, समर करेंगे तो आउटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसको मेजर करेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगी होती है जो इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेजर करते हैं और उनका डिफरेंस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स वाई द विंटर समर एडजस्टमेंट इज प्रेजेंट। उसके बाद बैटरी बॉक्स, बैटरी बॉक्स हम आगे देखेंगे इसका क्या काम है। देयर आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल भी सारा आगे आएगा, इग्निटर भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सा हम वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि पिछली स्लाइड में आपने देख लिया कि बैटरी बॉक्स भी प्रेजेंट है, एक इग्नाइटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद वाटर गैस वॉल्व भी प्रेजेंट है, सेंसर्स भी प्रेजेंट है, ये सारे काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है कि हम टैप को ऑन करेंगे। हमने टैप को ऑन किया, टैप ऑन करते ही जो हमारा इनफ्लो जो गैस गीजर के अंदर वाटर इनलेट पाइप है यानी कि इनफ्लो है वो ऑन हो जाएगा। इनफ्लो ऑन होते ही हमारा पानी गीजर के अंदर एंट्री लेना शुरू कर देगा। जैसे ही हमारा गीजर गीजर के अंदर पानी एंट्री लेना शुरू हो जाता है तो वाटर क्वांटिटी सेंसर लगा होता है जो मेजर करता है कि हाँ पानी आना शुरू हो गया। अब पानी आना शुरू हो गया ये मेजर करते ही वो एक सिग्नल या फ्लो सेंसर कह लीजिए, या फ्लो सेंसर या वाटर क्वांटिटी सेंसर, वो एक मेजर करते हैं ये हाँ एक सिग्नल सेंड करता है। एक फैन लगा होता है, डीसी फैन लगा होता है मोटर के इसके अंदर, उस डीसी फैन को एक सिग्नल सेंड करता है जिसके कारण ये डीसी फैन ऑन हो जाता है। नाउ दिस डीसी फैन स्टार्ट्स टू रोटेट। अब ये डीसी फैन एक तरह से गैस वॉल्व का काम करता है। जब ये फैन रोटेट होना शुरू होता है तो हमारी गैस गीजर के अंदर इनपुट लेनी शुरू करती है। तो फीचर ऑफ द गैस इज टू मेंटेन, एक तो गैस फैन के दो फीचर हैं यहाँ पे, एक तो जो बर्नर है उसको ठंडा करने का काम है, जब बंद होएगा उसको ठंडा करेगा फैन, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि ये इसलिए गैस गैस को वॉल्व की तरह काम कर रहे हैं। अब ये गैस जैसे ही फैन चलना शुरू होगा हमारी जो गैस की गैस है वहां से आनी शुरू हो जाएगी। अब गैस आनी शुरू होगी उसके बाद आपने गीजर में गैस गीजर में कभी नोट करा होगा टिक टिक की आवाज आती है जब ऑन करते हैं, जो टिक टिक की आवाज आती है उसका फंक्शन क्या है, वो एक सोलेनोइड कॉइल होती है, वो सोलेनोइड कॉइल जो हमारी वॉल्व के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैस के आगे जो वॉल्व लगी होती है उसमें वो सोलेनोइड कॉइल प्रेजेंट होती है। अब जो टिक टिक का काम क्या है कि वो जब वो बंद है वो इस पोजिशन में है, उसका बटन ऐसे प्रेस होगा तो एक यहां से जगह खुलेगी। सपोज इतनी हमारी पाइप है, इसमें हमारा वो टिक टिक कॉइल लगी हुई है, ठीक है, सोलेनोइड कॉइल कहते हैं उसको, तो उसका बटन इसको पूरा क्लोज करके रखता है। तो गैस यहां से आ रही है, उसने गैस को यहां से क्लोज कर दिया। अब जब हमें फैन ऑन हो गया, हमें सिग्नल मिल गया कि हमें गैस का इनपुट चाहिए, तो जब आप टैप ऑन करते हो तो टिक टिक की आवाज आती है ना, तो टिक टिक सिग्नल क्या है जो वो बटन अब ऑन हो जाता है, बटन ऑन होते गैस को इनपुट लेन मिलना शुरू हो जाता है और गैस आगे मूव करनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सोलेनोइड कॉइल प्रेजेंट। वो जो टिक टिक की साउंड आ रही है हमारी, उसका भी जो फंक्शन था, जो हमारे डिवाइस का फंक्शन था वो हमने समझ लिया। अब गैस आ रही हमारी शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही गैस आती है तो इग्नाइटर का काम होता है कि अब इग्निशन देना, इग्नाइटर मतलब कि उसको इग्निशन देना है। उसके अंदर हमारी दो पिंस प्रेजेंट होती है, ऐसे दो पिंस को जब हम शॉर्ट करते हैं तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हमारी गैस आती है, इग्नाइटर को एक सिग्नल जाता है, वो इन दोनों पिंस को शॉर्ट करता है, शॉर्ट करते एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू विच स्पार्क आती है, गैस में फायर लग जाती है, सारे बर्नर्स ग्लो करने शुरू हो जाते हैं। ग्लो बर्नर्स ग्लो करते ही शुरू होते हैं हमारे, उसके अंदर फिर पानी हमारा आगे फ्लो होना शुरू होता है, पानी हीट होना शुरू होता है, हीट होते ही पानी हमारा वाटर के अंदर हॉट वाटर आउटलेट हमारी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम टैप को बंद करते हैं, टैप को बंद करते ही हमारा फैन सिग्नल वॉल्व को सिग्नल भेजता है कि वॉल्व बंद कर दीजिए, वो सोलेनोइड कॉइल हमारी वापस ऐसे उस पोजीशन में आई थी, बटन को रिलीज कर देती है, गैस स्टॉप हो जाती है। बट फैन कीप्स, जो फैन है हमारा वो काम करता रहता है क्योंकि उसने बर्नर को ठंडा करना है। जैसे गैस कट करी, गैस कट करी क्योंकि बर्नर को सप्लाई ऑफ हो गया, तो बर्नर ऑफ हो जाएंगे, वो गर्म है, उनको ठंडा करने के लिए फैन हमारा चलता रहेगा 5-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद फैन भी बंद हो जाएगा और गीजर कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, हमारा पानी खत्म, पानी हमने लेना बंद कर दिया तो गीजर भी हमारा बंद हो चुका है, ठीक है। और हाँ, तो जो फ्लो सेंसर था, फ्लो सेंसर का काम मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि अगर आप ज्यादा गर्म पानी चाहते हैं तो वाटर का फ्लो कम होएगा क्योंकि उसको ज्यादा टाइम चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए, और आप कम ठंडा पानी चाहते हैं, कम गर्म पानी चाहते हैं तो वो फ्लो हमारा तेज होएगा क्योंकि हमें हीट ट्रांसफर में कम टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ द गैस गीजर।
देर बाद इग्नाइटर, ये जो आप देख रहे हैं दोनों इग्नाइटर के सर्किट्स हैं, ये मार्केट में ऐसे सेम टू सेम आपको मिलेंगे इन द सिमिलर फॉर्म। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पिन, दिस वन एंड दिस वन, ये जो छोटी पिन है ये आपस में शॉर्ट होकर स्पार्क प्रोड्यूस करती है जो कि गैस को इग्नाइट करती है। दिस, ये जो बड़ी वाली पिन है ये एक सेंसर है, ये डिटेक्ट करती है कि फ्लेम अंदर चल रही है या नहीं चल रही। बाय चांस आपकी गैस ऑन है बट फ्लेम ऑन नहीं हो रही, तो उस केस में ये वाली जो पिन है एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है कि आप कट कर दीजिए, गैस गीजर को एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है जो इग्नाइटर सर्किट है कि आप इसको कट कर दीजिए, फ्लेम ऑन नहीं हो पा रही है, कोई खराबी आ गई है, तो उसको कट कर देते हैं कि गैस वेस्ट ना हो या कोई डेंजरस इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो ड्यू टू लीकेज ऑफ गैस। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज दी एलईडी, जो आप गीजर के नीचे देखते हो कि रेड कलर या ऑरेंज कलर की एलईडी ग्लो करती है ऑन होते टाइम, तो वो ये वाली एलईडी होती है जो इग्नाइटर सर्किट में प्रेजेंट होती है। देर आफ्टर ये सारी वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं हमारी, ये हमारी बैटरी को, बैटरी जो हमारी बैटरी बॉक्स होता है उसमें दो सेल्स पड़ते हैं, बड़े वाले सेल्स, मोटे वाले सेल्स हम डालते हैं जो कि एक सीजन तक हमारे बड़े आराम से गीजर के साथ काम करते हैं। तो ये वाली जो है ये सप्लाई, ये सारा डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट है तो उसको डीसी सप्लाई चाहिए जो कि हम सेल्स के थ्रू इसको पास करते हैं। देर आफ्टर ये जो सारी वायर्स हैं, इसके ये जो सारी वायर्स हैं ये दो तीन सेंसर्स के साथ अटैच होती हैं। फर्स्ट इज द टेम्परेचर सेंसर, सेकंड इज द फ्लो सेंसर, थर्ड इज द सॉलिनॉइड कॉइल एंड फोर्थ इज दिस थर्मोस्टैट। अब ये चार जो सेंसर हैं इनके काम हम समझ चुके हैं। थर्मोस्टैट का क्या काम है, इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर के अंदर एक सर्टेन गैप मेंटेन करके रखना थर्मोस्टेट का काम है, जो कि हम विंटर और समर एडजस्टमेंट के बटन है उसके साथ इसको अटैच करते हैं। सपोज समर सीजन है एंड इंटरनल थर्मोस्टेट में एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर उसको पता है कि अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो गीजर को काम करना है, अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो गीजर को काम नहीं करना, उसको कट कर देना है। सपोज समर का सीजन है, बाहर भी टेम्परेचर हाई है, अंदर भी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था वो काफी कम हो गया, अब ये एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, बट अब ये जो थर्मोस्टेट है ये इग्नाइटर सर्किट को एक सिग्नल पास करेगा ड्यू टू विच ये सर्किट पूरा कट ऑफ होकर गीजर को बंद कर देगा ताकि डैमेज ना हो, क्योंकि ज्यादा अगर हीट उसके अंदर प्रोड्यूस होगी हीटर के अंदर, गीजर के अंदर, और बाहर भी काफी ज्यादा टेम्परेचर है तो गीजर डैमेज हो सकता है, तो उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मोस्टेट हमारा प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर सेंसर का काम है कि हमने जिस टेम्परेचर पे पानी की आउटपुट लेनी है उसको सेट करने के लिए टेम्परेचर सेंसर। फ्लो का काम हम बहुत बार समझ चुके हैं कि कम प्रेशर कम फ्लो ज्यादा हीट, ज्यादा फ्लो कम हीट, ठीक है। एंड देयर आफ्टर कम्स द सॉलिनॉइड कॉइल, सॉलिनॉइड कॉइल का काम सिर्फ गैस को इनपुट आउटपुट देना होता है, वो सारा ये जो इग्नाइटर के थ्रू हमारे सर्किट की वो जो सिग्नल है वो जाते हैं। इसको एक पावर सप्लाई, पावर सप्लाई हम डीसी बैटरी देते हैं 12 वोल्ट की वो सेल। इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल इज दिस जो इसको शॉर्ट करने पे हमारा गैस को ब्लो करती है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर होता है जो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो टिक टिक कॉइल हमारी। इग्निशन स्विच, हाँ गीजर के नीचे आपने एक स्विच भी देखा है जो गीजर को ऑन ऑफ करने के लिए काम होता है, वो गीजर को नहीं ऑन ऑफ करता, बेसिकली वो इग्नाइटर का स्विच होता है जो कि उसको ऑन या ऑफ कर देता है। तो बाई चांस अगर आप उस स्विच को ऑफ कर देंगे तो गीजर ऑफ हो जाएगा, गीजर ऑफ हो जाएगा मतलब कि वो इग्नाइटर को ऑफ कर रहे हैं, इग्नाइटर को ऑफ कर रहे हैं तो वो गैस आएगी उसको ब्लो नहीं कर पाएगा और गीजर हमारा मतलब बंद ही रहेगा, काम नहीं करेगा। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग जो है हमारा जो देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ स्पार्क हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो इग्नाइटर कॉइल्स के थ्रू, ये जो हमारी शॉर्ट होने पे स्पार्क प्रोड्यूस करती है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पार्क चाहिए हमें गैस को ग्लो करने के लिए, तो वो स्पार्क प्लग मेजर करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ इग्नाइटर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द इग्नाइटर। आफ्टर स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, डिमांड, जैसी टैप ऑन करी वाटर आया, डिमांड क्रिएट, हमने टैप ऑन करी डिमांड क्रिएट हुई, गीजर को सिग्नल गया कि हाँ हमें पानी चाहिए तो हमें उसको वो ऑन हो जाएगा इग्निशन। उसके बाद वो क्या करेगा, गैस को इनपुट लेगा, उसको इग्नाइट करने की कोशिश करेगा, जो हमारे इग्नाइटर है उसके जो इग्नाइटर कॉइल लगी हुई है उसको शॉर्ट करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर फायर प्रोड्यूस करेगा, कंबशन। अब उसने एक बर्नर ऑन करा, धीरे धीरे एक बर्नर के साथ सारे बर्नर ऑन हो जाएंगे, तीन चार जो भी बर्नर प्रेजेंट है हमारे गीजर के अंदर सारे ऑन हो जाएंगे और गैस कंबशन शुरू हो जाएगा। हीटिंग, अब वो जो है हीट एक्सचेंजर की सरफेस को गर्म करना शुरू कर देगी, उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, उसके अंदर पानी को गर्म करेगी, वो हीटिंग प्रोसेस हो गया। देर बाद आफ्टर अगर आप टैप को बंद कर देंगे, टैप बंद करेंगे, डिमांड क्लोज होगी, डिमांड क्लोज होगी तो जो जो हमारी टिक टिक कॉइल थी वो गैस की इनपुट को बंद कर देगी, गैस की इनपुट को बंद कर देगी तो हमारा अंदर जो है फ्लेम बंद हो जाएगी, फ्लेम बंद हो जाएगी तो हमारा गीजर बंद हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ अ गैस गीजर। तो ये हमारा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हुआ सॉरी, प्रोज एंड कॉन्स रह गए हैं। प्रोज,
फास्टर देन इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर में क्या काम है कि रिजर्वोयर प्रेजेंट है, उसके अंदर हम पानी गर्म करेंगे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं उस टैंक को गर्म होने में। बट गैस गीजर में क्या है कि आप डायरेक्टली पानी ले रहे हो, गर्म पानी जब चाहे आप जिस भी मोमेंट चाहे उस गर्म पानी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लोअर एनर्जी कॉस्ट, जो हमारे गैस की सप्लाई, जो एक सिलेंडर आप हमारा लगा लीजिए 14 किलो का सिलेंडर होता है, 14.2 ग्रोस वेट होता है हमारे सिलेंडर का, तो वो सिलेंडर अबाउट 40 to 50 पैसे आपका खर्चा देता है पर यूनिट ऑफ वाटर के ऊपर, तो काफी लोअर एनर्जी कॉस्ट है। डोंट लूज हॉट वाटर ड्यूरिंग ब्लैकआउट। सपोज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आपको गर्म पानी की जरूरत है, तो अगर इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ है आपके घर में तो आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, बट गैस गीजर प्रेजेंट है तो आप किसी भी मोमेंट पे उस पानी को ले सकते हो। कौन शॉर्टर लाइफ स्पैन? शॉर्टर लाइफ स्पैन इसलिए कि जिसके अंदर जो बर्नर्स लगे होते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें गीजर को जल्दी रिप्लेस करना पड़ सकता है, लाइक 3 to 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंदर गीजर को रिप्लेस करना पड़ सकता है। हायर अप करंट अप फ्रंट कॉस्ट, अप फ्रंट कॉस्ट की मतलब जो इसकी मेंटेनेंस है, उसके बर्नर्स को हर साल हमें हर सीजन साफ करवाना है, इसकी बैटरी बॉक्स में बैटरीज नहीं डालनी है, तो ये सारी चीज़ें इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो हर साल हमें पड़ती रहती है। मोर डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है क्योंकि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये प्रॉपर प्रेशर मिले पानी का, हमें गैस सिलेंडर रखने की जगह मिले और एक ओपन इन्वायरमेंट में हो ताकि आग लगने का डर ना रहे, क्योंकि बाई चांस अगर फ्लेम काफी ज्यादा हो गई तो गीजर हमारा ब्लो भी कर सकता है, ब्लो आउट ऐसे फट भी सकता है, तो डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन है और एक जगह प्रॉपर इन्वायरमेंट ढूंढना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। गैस गीजर क्या होता है? गैस गीजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एलपीजी गैस के ऊपर काम करता है और पानी को हीट करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर? हीट एक्सचेंजर लगा है, चिमनी लगी हुई है, ठीक है, इग्नाइटर कॉइल लगी हुई है, 3 तरह की नॉब्स लगी हुई है, हमारा गैस इनलेट होता है, आउटलेट होता है, सारा कुछ ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि आप टैप को ऑन कीजिए, हमारा जो सॉलिनॉइड कॉइल हो गैस को इनपुट को ऑन करेगा, गैस की इनपुट ऑन होती है हमारी इग्नाइटर प्लग उसको इग्नाइट करेगा, इग्नाइट करते गैस ऑन, फ्लेम ऑन हो जाएगी, फ्लेम ऑन होते हमारा हीट एक्सचेंजर हीट को एक्सचेंज करेगा पानी के साथ, पानी गर्म होकर हमारे आउटपुट फॉर्म में आ जाएगा। इग्नाइटर, इग्नाइटर सर्किट का काम इतना होता है कि वो गैस को इग्नाइट करना है, बाकी 3-4 सेंसर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि अपना अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है? आप डिमांड क्रिएट कीजिए, ऑन कीजिए, उसके बाद गैस हमारी इग्नाइट होगी, गैस इग्नाइट होने के बाद कंबशन प्रोसेस शुरू होगा, कंबशन प्रोसेस शुरू होती है हमारी हीटिंग शुरू होगी और उसके बाद डिमांड बंद कर दीजिएगा तो हमारा हीटर गीजर बंद हो जाएगा। प्रोज एंड कोज हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस एंड्स आवर टॉपिक। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए लेक्चर बनाता रहूंगा। आपको कोई भी कमी हमारे लेक्चर्स में लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मल्टीपल लोगों के पास हमारे लेक्चर्स पहुंच पाए और नॉलेज शेयर हो पाए। अगर आपको कोई टॉपिक, आपकी पसंदीदा टॉपिक हमें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सिंपलर वे में प्रेजेंट करना पसंद करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी।